नमस्कार साथियों, आदाब। मैं शफी मोहम्मद सैफी एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। देश की बड़ी खबरों और एनसीआर क्षेत्र की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज ये एक जानकारी हमको कल से ही मिल रही कि पेट्रोल पंपों को ये आदेश कर दिया कि आप ट्रैक्टरों को डीजल नहीं दोगे। ये तो गंभीर आरोप की संख्या है किसानों के ऊपर। मतलब सरकार क्या सरकार चाह रही है? मतलब डीजल ना देख कर ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं आ सकता? ये गलत है ना सरकार ना पा ना ऐसे किसान रुकेगा। और जो किसानों को डीजल नहीं दे रहा कोई भी पंप, अब उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये लगता है कि वो भी एक आंदोलन करवाने के मूड में है। बहुत इशू वहां पे भी हमारे हैं। वही किसान अपना सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर अपने ट्रैक्टर लगो और बैठ जाओ। ये लड़ाई मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी किसानों की। अब पता चलेगा ना उनको, सब किसानों को, जिस सरकार को वोट दिया है, जिन सरकारों को, जिनकी सरकार बनी है उनको ज्यादा मजबूत है, वो कर दिया उनको, वही सींग मार दी। किसान अपना वहीं बैठ जाए और घरों से निकले भाई। अब वो नहीं रहा टाइम, अब तो निकल दो, लड़ाई जंग छिड़गी पूरी। अब अपने घरों से निकलो। अब आप देख लिया होगा कि आने वाले टाइम पे भी जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर है वो आपका नहीं चलेगा। यहाँ से किसान अगर हार कर गया तो ये दिमाग में से अपने काट दो कि जो अपने घरों पर ट्रैक्टर है, जो इंजन है, जो जनरेटर है, जो पंपिंग सेट है 10 साल पुराने, वो चल जाएंगे क्या? जब पत्ती जलाने पे कानून आ सकता है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर एनजीटी ने बंद कर दिया है, वो ट्रैक्टर नहीं चलेगा आपका। क्या हालात किसानों की होगी? क्या आपका ट्रैक्टर खरीदने का मौका है? कब निकलो, गन्ना एक आदमी नाते को खरीद गए, आप निकलो और आप सड़क, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं 26 तारीख में चले जाऊंगा, आपको डीजल मिलेगा नहीं, रही आप सड़क भी करेंगे। और जो किसान यहाँ पे नहीं आ सकता, जो किसान दिल्ली नहीं आ सकता, उसकी परेड 26 तारीख में गांव में निकलेगी, जिले में निकलेगी, आप अपने जिलों में निकाल लोगे अपनी पूरी तैयारी के साथ में। सब लोग चले अपना और हम भी जा रहे हैं पेट्रोल पंप, किसी को जाएंगे वोट लेकर, वहां देखते हैं कि वहां किस तरह का माहौल, क्या हुए चीजें। बाबू अपने गौर सदी को ये गंभीर आरोप सरकारों को तरफ हमारा है, इस तरह की हड़प का समर्थन करें। गन्ने का भुगतान आप दे नहीं रहे, उस पर रेट आप डाल नहीं रहे, किसान दिल्ली में आ रहा, उसको यहाँ आने नहीं दे रहे, आप उसको रोक रहे हो। यहाँ पर पुलिस प्रशासन बात कर रहा है, वहां पे आप डीजल नहीं आप दे रहे, तो सरकार चाहती क्या है? देखो जो किसान यहाँ पर आ गया, वो सब अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना सब कुछ दांव पर लगा कर आ गया। ये गलत फहमी अपने दिमाग पर से निकाल दो। सरकार के किसान वापसी चला जाएगा, किसान वापसी नहीं जाएगा, किसान पूरी नफरत के साथ में इस आंदोलन को आपके खिलाफ चलाएगा। जो तो हरकत करोगे, ये देख रहा है सब किसान, जितना आतंक करोगे, बड़ा मेहरबानी करके इसको एक आध घंटे में आदेश देकर इन्हें ट्रैक्टर को दिल्ली आने दो। हमारी बात होगी है उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस, और हमारा जो किसान संगठन है उसने बातचीत कर ली है, वो रोड मैप पूरे बन चुके हैं, और हम जो भी गाइडलाइंस होगी उसका पूर्ण रूप से किसान पालन कर रहा है। हमने अपने किसानों को कहा कि जब दिल्ली में परेड में आप शामिल होंगे तो स्पीड 10 से 15 के करीब की आपकी स्पीड होगी, उसको रूट मैप पूरे दे दिए। दिल्ली में किसान जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से जाएगा, और जिस रूट से जाएगा दूसरे रास्ते से निकल कर आ जाएगा, और दिल्ली पुलिस ने रूट मैप और सारी चीजें, हमारी फोर्सेज सारी चीजें तैयार कर रही है। हम तिरंगे झंडे आगे हैं वो हम देने लग रहे हैं सबको। ये नेशनल परेड है, किसान नेशनल परेड नहीं निकाल सकता क्या? किसान भी नेशनल परेड निकाल सकता। तो ये है कि अपना खोल दो, नहीं तो फिर अगले इलाज भी वे फिर हमारे पे, फिर ये ना कहियो कि हमने ये नहीं कहा था, फिर हम दूसरा भी काम वहां पर करेंगे। जो किसान है सड़कों पर आएगा,
और ये हाईवे पाईवे जो चल रहे हैं ना, सब बंद होंगे जब तक ये आंदोलन चलेगा। ये ना हो कि धरना भी एक जगह है उत्तर प्रदेश में, धरना भी इस जगह चले, फिर सिफारिश ना करवाते फिर ये तो, या तो इनको खोल दो बस अभी पेट्रोल पंपों को। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर, दिल्ली।